कपड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा, तुम्हें इसी तरह लेके जाया जाएगा, कपड़े नहीं दिए जाएंगे। और जब चलने से इनकार किया तो मार मार दिया गया, हाथ और बेहोश कर दिया। उसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं कलाम पाक की बेहुर्मती तो रुकवा दीजिए, वो एक मुसलमान नहीं क्या पूरे पूरे पाकिस्तान में एक एक शदाई रसूल नहीं कि वो कलाम पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरा था, उस बिल्ला उसके परे पर पाके से ऊपर चलने को कहते हैं मुझे नौजवान? कौन से नौजवान? हाँ, बिरयानी खाने वाले नौजवान, धरनों में नाचने वाले नौजवान, या पगड़ियां बांध के रोडों पे तबाही मचाने वाले नौजवान? कौन से नौजवान है आजकल मेरे समेत? मैं भी साथ में हूँ। बस हम तो ये तो जबरदस्ती उसको नंगा कर रहे थे वो लोग, वो तो दुश्मन है। यहाँ तो लोग खुद को नंगा कर रहे हैं चंद लाइक्स की खातिर। ये हालत है आजकल के नौजवानों की, इनको बस लाइक्स चाहिए, अपनी वीडियो लीक्स कर देंगे, खुद नंगिया होके आ जाएंगी। और अगर मर्द खुद को नंगा नहीं करते, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी मतलब यारियों को ले आएंगे चंद लाइक्स की खातिर। वो तो बायो एड में हथियार का मुकाबला करने वाली थी, दुनिया में जो इतनी बीमारियां हैं उसका इलाज वो निकालने वाली थी, बायो एटम बनाने वाली थी। लेकिन नहीं, हमें तो ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, हमें तो वो लोग चाहिए जो वो कहें उनकी गुलामी करे। आरफा करीम आई जो सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर बना सकती थी, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकती, लेकिन नहीं, हमने उसको मुलाकात के लिए भेज दिया जी बिल गेट्स के पास, और उसके बाद आके वो एक साल बाद मर गई, किसी ने कुछ कहा नहीं। इससे पहले भी कितने लोग हमारे जा चुके, कितने इंजीनियर डॉक्टर वहाँ जा चुके, उसके बाद यहाँ आते हैं मर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को तो इससे फुर्सत ही नहीं मिलती, हम लोग सिर्फ बातें करना आता है। मेरे समेत मैं भी उसी में हूँ, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह अदब वगैरह ही हूँ। इस कौम का कुछ नहीं बन सकता भाई, जिस कौम को अपनी फिक्र ना हो, उनकी फिक्र सिर्फ ये जेब में पैसा कहीं से आ जाए, चाहे उसके लिए अपनी माँ को बेचना पड़े। हकीकत बता रहा हूँ, ये कौम तबाह बर्बाद है, इस कौम का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनका ईमान पैसे पर अटक चुका है, पैसों की खातिर कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। हाय, मैं क्यों बोल रहा हूँ, खुद को बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, बस बोल ही जा रहा हूँ।